एक सवाल करते हैं, हमने तो बड़ा मांगा, हमारी तो सुनता नहीं। तो वो कहता है उजीब दावत दाइदा दान, मैं ज़रूर सुनता हूँ, ये हो ही नहीं सकता कि मैं ना सुनूँ। सुनाने के कुछ कानून हैं, उनको फॉलो करो तो मैं सुनता हूँ। मसलन किसी की कमाई हराम है तो उसकी दुआ रुक जाती है, सुनता उसकी भी है। लेकिन दुआएं कबूल होने के लिए एक हदीस याद आ गई। एक साहब ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह उरीद अन तुस्तजाब दावती, मैं चाहता हूँ मेरी दुआएं कबूल हों। आपने फरमाया इज्तनिब मिन अक्लिल हराम तुस्तजब दावतुक। ये बड़े ज़माने बाद मुझे ये जुमला याद आया। आपने फरमाया हराम खाना छोड़ दे, तेरी दुआएं कबूल होंगी। रिस्के हराम छोड़ दे, तेरी दुआएं कबूल होंगी। अल्लाह ने इतना वादा किया है कि मैं देता हूँ, तुम्हारी तनख्वाह थोड़ी है। शैतान कहता है कैसे गुजारा होगा, रिश्वत नहीं लोगे कैसे गुजारा होगा, तुम्हारा कारोबार है, सारे बाजार वाले झूठ बोल रहे हैं, तुम सच बोलोगे तो तुम्हारा सौदा कौन खरीदेगा। तो इस सब का अल्लाह ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरे बंदो घबराओ नहीं, पालने वाला तुम्हारा अल्लाह है, सिर्फ तुम्हें नहीं पालता, कुल कायनात को पालता है। इन्नल्लाहु रज़्ज़ाकु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। कुरान शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कुरान को ख़त्म किया कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। रब पे शुरू किया, रब पे ख़त्म किया, कि इसमें हमें बहुत धोखा लगता है कि रोटी कहाँ से खाएंगे, बच्चों की फीसें कहाँ से देंगे। तो राज़िक अल्लाह है, नमाज पढ़ो, नफल पढ़ो, और ये ना को मेरी सुनता नहीं, अल्लाह की कसम कबूल करता है और ज़रूर कबूल करता है। मुसल्ला ना छोड़ो, आजमाता है। एक दुआ मैं 10 साल मांगता रहा, दुआ नहीं छोड़ी, और हमेशा ये कहता मेरे मांगने में कमी है, देने वाला बहुत करीम है। 10 साल के बाद जाकर मेरी उस दुआ की कबूलियत के आसार ज़ाहिर हुए। हम 2 मिनट की मांगते हैं और वो भी आंखें ऊपर होती हैं और आमीन आमीन, ओ मौली साहब रटी रटाई दुआ मांगते हैं, वो तो दुआ ही नहीं। जो फ़र्ज़ों के बाद दुआ की जाती है वो तो रटे रटाए जुमले हैं, दुआ कैफियत को कहते हैं ना कि चंद अल्फाज को। तो रमज़ान का इस्तकबाल करें भाई, कमाई हराम है तौबा, हलाल पे लाने की कोशिश शुरू कर दें, एकदम तो नहीं होता, लाने की कोशिश शुरू कर दें, सुलह कर लें। माँ बाप को दुखी किया है उनके पाँव पड़ जाएं, बीवी से बदतमीज़ी की है उससे माफ़ी मांग लें, बीवी ने खाविंद से बदतमीज़ी की है तो वो खाविंद से माफ़ी मांग लें। बच्चे भाई बहन आपस में लड़े हुए हैं, जायदादों पर लड़ते हैं मालदार लोग, तो सुलह कर लें, मिट जाने वाली चीज़। तुम्हारा बाप छोड़ गया तुम भी छोड़ जाओगे, हमारा बाप छोड़ गया हम भी छोड़ जाएंगे।